हेलो गाइड्स, हम आपको मेंसुरेशन के बारे में जो टोटल फार्मूले हैं, बेलन, शंकु और गोला और घनाभ जो मेंसुरेशन के पार्ट पर आधारित हैं, आपका एग्ज़ाम में 8 नंबर का मेंसुरेशन आएगा। जो फार्मूले आज हम आपको समझाने जा रहे हैं, इन्हीं फार्मूलों के आधार पर ही क्वेश्चन आएंगे और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इसी के आधार पर आप देखिए, बेलन जो आपके सामने चित्र बना हुआ है, इसको हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। H यहाँ पर ऊंचाई है, R त्रिज्या है, ये पूरा बेलन है, 2RD या व्यास कहलाता है। डायग्राम के बारे में हम विस्तार से आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब आप देखिए फार्मूले, बेलन के आधार पर 4, 2, 6 फार्मूले आपके हैं, जो आपके सामने हैं वीडियो में। आगे देखिए, नंबर 1, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 2, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πRH। नंबर 3, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2πR ब्रैकेट स्टार्ट R प्लस H ब्रैकेट बंद। नंबर 4, परिधि बराबर 2πR। याद रखना, परिधि वृत्त में ही होती है अधिकतर, परिधि बराबर 2πR। कहीं कहीं पर हमारे क्वेश्चन में दे रखी होगी तो वहाँ से हमको R निकालना होगा। R निकालने के बाद फिर हमें अपने क्वेश्चन में रखना होगा। आगे देखिए, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा होता है तो उसके लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए, 6 वाला नंबर या 6ठा नंबर जो आपको हम हर क्वेश्चन में समझा चुके हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया गया है, पाई बराबर 22/7 बराबर 3.14। ये आपके बेलन के आधार पर ही फार्मूले हैं, जिसके आधार पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए आप शंकु, शंकु के बारे में भी हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें L तिरछी ऊंचाई, H ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, R आपकी त्रिज्या है। अगर इस पॉइंट से इस यहाँ तक की बात करें तो आपकी ये 2R जो आपके हम बेलन में बता चुके हैं, 2R मतलब D, और D को क्या कहते हैं, व्यास। अब शंकु के आधार पर ही आप देखिए जो आपके फार्मूले हैं, इसी फार्मूलों के आधार पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। देखिए आप, शंकु का आयतन बराबर 1/3πR²H, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर πRL। नंबर अगला है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर πR ब्रेकेट स्टार्ट R प्लस L ब्रेकेट बंद। अगला नंबर देखिए, L² बराबर R² प्लस H²। यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, L² बराबर R² प्लस H² है। जब हमारा स्क्वायर हटेगा तो सामने जो भी मान है हमारा R² प्लस H², ये रूट में बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, L बराबर रूट R² प्लस H², जिसको हमने विस्तार से नीचे समझाया है। देखिए, L बराबर तिरछी ऊंचाई, R बराबर त्रिज्या, H बराबर ऊंचाई। इन फार्मूलों के आधार पर ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और पूछे जाएंगे। आगे देखिए आप गोला, गोले के बारे में हम पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन डायग्राम बता चुके हैं, दोबारा भी आपको रिपीट करा रहे हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, मतलब गोले का अगर सेंटर से टच हो गया तो समझ लो वो व्यास या त्रिज्या कहलाएगी, अगर आधी दूरी है तो वो R या त्रिज्या कहलाएगी, और दो
पूरी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2R या व्यास कहलाएगी। याद रखना गोले में ऊंचाई नहीं होती है, ये मेन पॉइंट है, ध्यान देना कि गोले में त्रिज्या सॉरी ऊंचाई नहीं होती है। अब आप देखिए इसी के आधार पर आपके फार्मूले हैं, सूत्र हैं। नंबर एक, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। नंबर अगला है आपका, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। नंबर अगला है आपका, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। अगला नंबर है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। हमने फिर इसके नीचे आपको नोट पॉइंट में लिखा रखा है, देखिए आप ज़रा ध्यान से, गोले में ऊंचाई नहीं होती है। हम दोबारा बता रहे हैं आपको कि गोले में ऊंचाई नहीं होती है, ध्यान रखना, और ना ही आपके जो फार्मूले निकल के आए हैं इन फार्मूलों में कहीं पर ऊंचाई है। ये सबसे मेन बात है, गोले में ऊंचाई नहीं होती है। हम बार बार आपको रिपीट करा रहे हैं, पिछली वीडियो में भी आपको समझा चुके हैं। आगे देखिए आपका घनाभ, घनाभ में क्या होता है आपके LVH। इस वीडियो के आधार पर सॉरी, जो पिछली वीडियो हमने बताई हैं, इस चित्र के आधार पर क्वेश्चन भी कराए हैं हमने और आपको फार्मूले और क्वेश्चन समझाए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी L, जिसको हम लंबाई कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक B, जिसको हम चौड़ाई कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक H, जिसको हम ऊंचाई कहते हैं। इसी के आधार पर घन तथा घनाभ के सूत्र दिए जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में इसी के आधार पर क्वेश्चन आपके आएंगे। ज़रा ध्यान देना, नंबर एक, घन का आयतन बराबर AQ। नंबर अगला है आपका, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6A स्क्वायर। आगे देखिए आप, अगला नंबर है आपका, घनाभ का आयतन बराबर L×B×H। आगे देखिए आप, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 LV+BH+HL(1)। ये फार्मूला बच्चे अक्सर एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, इसका एक तरीका है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए LVH कहाँ से आया आपका, ज़रा आप डायग्राम में देखिए, आपके घनाभ में क्या होते हैं LVH, ध्यान देना ज़रा, आपके घनाभ में LVH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसी के आधार पर आपका ये फार्मूला निकल के आया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ये फार्मूला बच्चे गलती करते हैं, इसको हम दोबारा समझा रहे हैं, पिछली वीडियो में आपको बार बार समझाया गया है कि किस तरीके से याद करना है और क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम में गलती करते हैं, दोबारा हम बता रहे हैं। देखिए ज़रा आप, 2 LV+BH+HL(1)। अब ज़रा इस पे देखिए आप, L,B,H कैसे याद रखें कि हमें एग्ज़ाम टाइम में याद रहे और गलती ना हो। देखिए आप, फार्मूले को हम समझा रहे हैं आपके, L से B, B से H और आपका H से L। फिर देखिए ज़रा आप, L से B क्रम से गया, बिल्कुल क्रम से, जिस तरीके से चक्रीय व्यंजक होते हैं जो आपके चैप्टर से निकाल लिए गए हैं, 10th क्लास में पहले थे ये। देखिए L से B, B से H, H से L, इस तरीके से फार्मूला याद रहेगा आपको एग्ज़ाम में, आप नहीं भूलेंगे, बच्चे ज़्यादातर एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। हम दोबारा आपको समझा रहे हैं, घनाभ आपका दे रखा है, इसमें आपकी LVH होती हैं, जिनको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
कहते हैं इसी के आधार पर हम आपको फार्मूला समझा रहे हैं जो आपका इस प्रकार है एल बी बी एच एच एल। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में नहीं भूलेंगे और याद रहेगा। देखिए ज़रा दोबारा से, एल बी आ रहा है क्रम, बी एच आ रहा है क्रम, सी सॉरी एच एल आ रहा है क्रम। आगे देखिए, हमने इसको दोबारा समझा भी दिया है कि ध्यान रखना मेंसुरेशन जो आपके सिलेबस में है, जिसको क्षेत्रमिति भी हिंदी में कहते हैं, ये हम आपको फार्मूले समझा रहे हैं। इनके आधार पर हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं, चित्र के बारे में भी बता चुके हैं पिछली वीडियो में। ये आपका एग्ज़ाम में 8 नंबर का आएगा, इसलिए एक ही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो सारी के सारे फार्मूलों की है। एग्ज़ाम टाइम में आप आराम से बैठ के अपने तैयारी कर सकते हैं, या कह सकते हो कि अपने बस में जा रहे हो या अपने टेम्पू में, तो आराम से वीडियो खोल के अपने पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो सही लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।